तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? अरे राधिका जी बस थोड़ा देर रुक जाइए, आपको सब पता चल जाएगा कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम दोनों का मकसद इस समय एक ही है, देव और कनिका का शादी रोकना। सुनिए सब लोग, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। अत्ति की पावन तिथि पर आज हमारे राजपुरोहित जी और राजपुरोहिताइन जी पुनः विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं और इस अवसर पर हमने गीत, संगीत और नृत्य समारोह का आयोजन किया है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप सभी वहां अवश्य पधारें। आइए आइए। रचन, हम जा तो रहे हैं लेकिन बहुत जल्द वहां शादी शुरू होने वाली है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। राधिका जी, उनसे आपका शादी तो तब होगा जब उनका सामना असलियत आएगा और उसके लिए हमको जाना बहुत जरूरी है। वो सबूत इकट्ठा जो करना है। आइए राधिका जी, चलिए हमरे संग जल्दी। जल्दी आइए हमारे संग। रचन, ये कौन सी जगह लेकर आए हो तुम मुझे और क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? अरे राधिका जी, आप हमरे साथ अंदर चलिए तो सही, एक बार उस सबूत को अपनी आंखन से तो देख लीजिए। चलिए। अरे हटो, सबूत देखने दो बे। ये देखिए। ये कौन है? राधिका जी, ये तो है वो सबूत जो हम दोनों के वास्ते तुरुप का पत्ता है। कनिका का असली पति, दीपू का असली पापा, ये है असली अभय। ये अभय जी है कनिका के पति? जी हाँ राधिका जी, ये असली अभय है। ये वो सबूत है जिसका बारे में हम आपसे इतना दिन से बात करना चाह रहे थे लेकिन कोई उचित समय नहीं मिला। लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है राधिका जी, हमको इसको जल्दी से ले जाके देव बाबू के सामने पेश करना होगा ताकि माई का असलियत सबके सामने आ सके। अरे भैया, हमको मालूम है तुम बोलने के लिए बहुत बेचैन हो, लेकिन तुम धीरज धरो, हम बोलने का बहुत मौका देंगे तुमको। लेकिन इससे पहले भैया तुम्हारे हाथ पांव खुले, हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हमारी वजह से तुमको जो ये तकलीफ हुआ है ना, उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिएगा। अबे इधर आओ, मैं तुमको हर काम के लिए सम्मान भेजेंगे। कहा आके इनको खोलो, जल्दी जल्दी खोलिए। ठीक तो है ना भैया? वो कहा है कि हमारी भाई तो तुमको मारने का आदेश हमको दे चुकी थी, पर अब हम इतना घटिया इंसान थोड़े हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम जान ले ले। पर हाँ, वो कहा है कि 5 साल पहले गलती से अनजाने में एक बार हम तुमको मारने का कोशिश किए थे, लेकिन वो कहा है कि भगवान हमको हमारी गलती का प्रायश्चित करने का इतना अच्छा मौका दे दिया आज। लेकिन भैया वो कहा है कि अब एक बहुत जरूरी काम है। ये है राधिका जी, इनका पति देव से हमारी माई तुमरी कनिका का जबरदस्ती शादी कराना चाहती है। हमको यहाँ से जल्दी से जाके उस शादी को रोकना होगा, अभी तुरंत। आप बस बताइए कहाँ जाना है। चलिए इन्हें यहाँ से जल्द निकालना होगा, जल्दी चलो यहाँ से। अरे नहीं 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 राधिका जी, ऐसा मत करिए। अगर वो हिटलर को जरा सा भी भनक पड़ गया, ये बच्चा तो गया जान से, हमारी जान ले लेगी हमारी माई। काम करते हैं कि हम यहाँ से अभी चले जाते हैं और तुम दोनों थोड़ी देर के बाद डायरेक्ट उस शादी वाला जगह पर पहुंच जाना। ठीक है भैया? ठीक है। एक सेकेंड, तुमको हमारी गलती के लिए माफ कर देना भैया। आ जाइएगा आप, चलिए मेरे साथ। माता जी चलिए, तिलक और पगड़ी का समय हो गया है, चल के दूल्हे को तिलक और पगड़ी बांध देते हैं। चलिए। बस कुछ ही देर में मेरी शादी कनिका के साथ हो जाएगी, लेकिन इस बात की खुशी क्यों नहीं है मुझे? ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इतना उदास महसूस कर रहा हूं? आप सब लोग? ये सब लोग सेहराबंदी का रस्म पूरा करने का खातिर आए हैं दामाद बाबू। दामाद बाबू? ना हमरा मतलब वो राधिका भी तो हमरा बेटी जैसन है ना। हाँ तो चलिए अब पगड़ी की रस्म शुरू करते हैं। महात्मा जी घर से निकलने से पहले कुछ कह रहे थे ना आप, कुछ सत्य का बारे में, कुछ जीत का बारे में। देखिए शादी तो अब हो ही रही, टंका का चोट पे हुई रही। महात्मा जी वो क्या कह रहे थे आप, कोनो सूरज कोनो दिया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो बकत कुछ ज्यादा बोल गए रहे आप? महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को भी ऐसा ही मिथ्या आभास हुआ था कि सूर्यास्त हो चुका है। अत्यंत प्रसन्न हुआ था, उसने पांडवों का उपहास किया, अर्जुन का उपहास किया एवं ईश्वर का उपहास किया, परंतु दूसरे ही क्षण आकाश ने अपना रंग परिवर्तित कर दिया। तारे अदृश्य हो गए, घटाएं लुप्त हो गई और उसके पश्चात जयद्रथ धराशाही होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि मेरा कथन असत्य प्रमाणित होता है कात्यायनी देवी, एवं विजय आपको प्राप्त हो जाती है, तो मैं ब्रजमोहन शास्त्री आपको वचन देता हूं कि अपनी जिह्वा काटकर आपको समर्पित कर दूंगा। भाभी कितना टाइम और लगेगा? किसमें? शादी होने में। आप 2-2.5 घंटे तो हैं। 2-2.5 घंटे? भाभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैं एक पीस दो ना। कनिका दीदी जब तक शादी की रस्म पूरी नहीं हो जाती आप कुछ नहीं खा सकते हो। का बेबा, ये सब दकियानूसी बातें हैं। भूख का और शादी का आपस में का लेना देना। दे उका खाए का वास्ते दे। कनिका, आज वो घड़ी आ ही गई जब तोरा और देव का शादी हुई जाएगा। उका बातू हुई जाएगी उका पत्नी और राजपुरोहिताइन भी हमारे। तू खा खा दो उका। दे दो ना बेटा। तुम और राधिका एक दूसरे के लिए बने हो। तेरी दादी की बात मान ले और अक्ति के शुभ अवसर पर राधिका से शादी कर ले बेटा। दामाद बाबू, ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं हम? यथार्थ में राधिका ही आपकी पत्नी है। ये वही राधिका है दामाद बाबू जिसके साथ आपकी एक बार नहीं किंतु दो दो बार विवाह हुआ है। बेटा, अभी भी समय तेरे पक्ष में है। सही फैसला लेकर अपने आप को और अपने इस परिवार को बर्बादी से बचा ले बेटा। कात्यायनी देवी जानती है कि तू अभय नहीं देव राजपुरोहित है। वो तो बस पैसों और संपत्ति के लालच में तुझे कनिका से शादी करने के लिए कह रही है। इसीलिए देव राजपुरोहित के नाम से उन कागजों पर तुझसे साइन करवाया था। दया कीजिए दामाद बाबू, मान जाइए हमारी बात। बस बंद कीजिए ये सब। बार बार मुझे देव साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान हो जाता हूं और आपकी इन कोशिशों से कुछ बदलने नहीं वाला है। मेरी पत्नी कनिका है और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ कनिका से होगी। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। छोटी बहू, छोटी बहू कहाँ गई? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही। कहाँ जा सकते हम? एक मिनट इधर बालकनी में देखते हैं। क्या हुआ? नहीं है, कहीं नहीं मिली। हम कहाँ गई होंगी? कात्यायनी देवी ने तो कहीं कुछ ऐसा वैसा नहीं। राधिका जी के यहाँ ना होने में माई का कोई हाथ नहीं है। उन्हें तो हमारे पति अपने साथ लेकर गए हैं। क्या वो रजन? वो कहाँ? नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत करिए। वो राधिका जी को अपने साथ कुछ सबूत लाने के लिए लेकर गए हैं जिसे देव बाबू को दिखाकर कि शादी रोकी जा सकती है। ये वास्ते राधिका रज्जन के साथ जा रही थी। खेल अब समझ में आयो। कात्यायनी जी, हमको आपसे कौनो जरूरी बात करे की है। अभी हमका बहुत काम बाकी है अम्मा जी। अभी बात करे का फुर्सत नहीं है हमारा पास। अरे ई बात देव बाबू और आपकी बेटी की शादी में रुकावट लाने वाली हो तो भी। अरे ये बात आपके फायदे की है। कह दे काहिया, कह दे हमारे। आपकी बहू पुरोहित परिवार से कह रही थी रज्जन और राधिका को उन्हें कहीं जाते हुए देखो है। सबूत के बारे में कह रही थी। आपका बेटा कनिका की शादी रुकवाए के लिए राधिका की मदद कर रहा है। हमने इन आंखों से देखा और रज्जन और राधिका को गाड़ी में कहीं बैठ के जाते हुए देखो है। आगरा में पहले ऐसी शादी कभी भी नहीं देखी। हम मठ में पहली बार आए हैं ना। विवाह कनिका आओ। जी माई। जी माई, आप कुछ कह रहे थे। रजत नजर नहीं आ रहा विवाह। कहाँ गया है वो? सच सच पता हम कहाँ है रंजन? भाई, हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो राधिका जी को साथ लेकर कहीं गए हैं। कोई सबूत देने के लिए, ताकि देव जी के सामने सच्चाई लाने में राधिका जी को मदद मिल सके और ये शादी टूट सके। का सबूत? माई, सच में हमें कुछ नहीं पता। कोनो बात नहीं, उनका पता तो हम लगा ही लेंगे। उनका बाद हम तोरे से बातचीत करेंगे। पहले हम जाके उस रंजन का अक्कल जरा ठिकाने में लगाएं। माँ जी, बहुत दिल घबरा रहा है, बहुत चिंता हो रही है माँ जी। विवेक और बिरजू गए हैं ना, उन दोनों को देखने शायद यहीं कहीं होंगे तो मिल जाएंगे। राधे राधे। शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है, अब शीघ्र ही हमें रीति रिवाज भी आरंभ करने होंगे। राजपुरोहिताइन जी तैयार तो है ना? जी हाँ जी। राजपुरोहिताइन जी दुल्हन कक्ष में नहीं है। कहाँ गई वो? राजपुरोहिताइन जी है कहाँ? यहाँ रही दुल्हन। विवाह लेके आओ। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, हम तनिक दुल्हन को अपने संग लेके गए रहे। इन्हें दुल्हन कक्ष में ले जाइए। इस प्रकार विवाह से पहले इनका इधर उधर घूमना उचित नहीं है। जा, ले जा। ले जाओ। देखिए, मुझे मंडप की और व्यवस्था का भी निरीक्षण करना है। मैं चलता हूँ। राधे राधे। जी। माँ जी, ये तो वैशाली, तुम बैठो। हाँ जी, तुम बैठो, मैं बात करती हूँ। तो देव और कनिका की शादी करवाने के लिए ये चाल चली तुमने। घूंघट के अंदर कनिका और लोग ये समझेंगे कि शादी के मंडप में राधिका बैठी है। आप बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाई हैं माताजी, लेकिन अब हमका अपना उम्मीद, अपना विश्वास का भाषण मत दीजिएगा, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। राधिका कुछ भी सबूत ले आए इस शादी को रोके का खातिर, लेकिन हमरा रहते उस सबूत देव तक ना ही पहुंच पाएगा। आज कैसन भी हाल में देव और कनिका का शादी होके रहेगा माताजी। ये कात्यायनी देवी तो वाकई बहुत दुष्ट है। देव और कनिका की शादी करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। अब तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि वो हमारी राधिका को कोई नुकसान पहुंचाए, उससे पहले विवेक और बिरजू उसे ढूंढ कर ले आए वापस। अपने आप को संभालो बेटा और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी राधिका जल्दी वापस आ जाए। शुभ आरंभ तो हो ही गया है, बस कुछ चीजों का शुभ अंत होना बाकी रह गया है, वो भी जल्दी हो जाएगा।